हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ कर्म एंड कंपनी में। और कर्म एंड कंपनी है एक प्रकार से ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की एजुकेशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। जिस टाइप से वीडियोस को हम यहाँ देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर NCERT से लेकर के आपको हाई लेवल तक के सारे के सारे नोट्स PDF में, लाइक बुक्स और साथ में वीडियो, सभी कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानना। और सबसे पहले हम देखेंगे पुरानी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ही कैसी दिखती है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व किसी से छुपा नहीं है। ये दिखाई देने वाली जो भव्य इमारत आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जब कभी भी हमारे देश में कानूनी व्यवस्था चरमराने लगती है, तब ये न्यायालय अपने अधिकार में उस कानून को लेकर के उसकी समीक्षा करता है और हमारे देश में सभी को कानूनी रूप से न्याय दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व हमारे देश में काफ़ी समय से रहा है और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया, उस नई बिल्डिंग का अस्तित्व क्या है, उसका डिजाइन क्या दिखता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो वर्तमान में बनी हुई थी 31, उससे बढ़ा करके ज़्यादा कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की भव्य इमारत जो हम देख रहे हैं, इसका अस्तित्व केवल इतना ही नहीं है। एक्चुअल में हमारे देश में समय समय पर कई कानूनी प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है और सुप्रीम कोर्ट की इसी राय की वजह से आज हमारे देश में कई कानूनी सुधार हुए हैं और नागरिकों को उनका हक मिलता है। अब आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसा है और उसकी संभावना क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाल ही में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये समझ लो कि आप देखो, पहली बात तो ये कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी न्यायाधीशों की संख्या। लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्याओं और उनके बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी तक न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो उन्होंने कहा है, कैबिनेट हैज टेकन ए डिसीजन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज ऑफ 10% फ्रॉम 30 to 34, यानी कि अभी जो जज हैं वो टोटल 30 होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब कर दिए गए 34, ठीक। और इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस यानी कि CJI ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज एक्ट 1956 वाज लास्ट अमेंड इन 2009, ठीक है, टू इंक्रीज द जज स्ट्रेंथ फ्रॉम 25 to 21 इंक्लूडिंग CJI, यानी कि 1956 में हुआ था। एज पर द आर्टिकल 124 Oblique 1, ठीक है, यानी कि सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अभी बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन बैठता? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2009 में हुआ था। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 31 है। ये मुख्य न्यायाधीशों के सहित है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इसको बढ़ाकर 34 मुख्य न्यायाधीश सहित, ये बात ध्यान रखेगा, यहाँ पर कर दिया जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 59,331 मामले लंबित है। तकरीबन इसको आप 60,000 में भी देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन मामले बढ़ते रहते हैं, समझ गए। आगे देखते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI, जो अभी वर्तमान में है रंजन गोगोई, इनके अनुसार भारत में न्यायाधीशों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों का फैसला और उसमें प्रकार से मतलब समझे रुका हुआ है और उसमें उचित संवैधानिक पीठ की संख्या भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मामले इस टाइम बहुत हर चीज़ को लेकर के लोग बड़े आराम से आजकल सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से ही ये समस्या देखने को मिल रही है। इसके से बात की गई कि न्यायाधीशों की संख्या जो है उसमें बढ़ाने के लिए CJI ने भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि पत्र इससे पहले भी लिखे गए हैं और कई बार इन पत्रों का जवाब भी अनदेखा किया गया, लेकिन अब की बार सरकार ने इस निर्णय को पूरा करने का ठान लिया है।
पेंडिंग केसेस की बात की जाए अगर, तो 2006 से 18 में हम देखेंगे, ये अप्रैल तक का डेटा है, यहाँ पर 8.6 राइज इन द पेंडेंसी। अब केस अक्रॉस ऑल कोर्ट्स में, ठीक है, मतलब 8.6% की दर से ये बढ़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज 36%, हाई कोर्ट इंक्रीज 17% एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्रीज कितना 7%। और लो डिस्पोजल रेट अगर हम देखें तो डिस्पोजल रेट हैज स्टे बिटवीन 55% एंड 59% इन द सुप्रीम कोर्ट एट 28% इन द हाई कोर्ट एंड 40% इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। आगे देखते हैं इसमें, देखिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का इतिहास अब तक क्या रहा है उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। असल में 1950 में अगर देखें तो 1950 के समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो कुल संख्या थी वो 8 रखी गई थी, ठीक है, 1950। ये कब की डेट हम बता रहे हैं, 1950 की डेट है, ये है हमारा जब संविधान लागू हुआ था, और वो लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, और उसके दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में आया था, समझ गए। तो उसके बाद देखिए जब तक संख्या कितनी थी, 1950 तक 8 थी, और उसके बाद जो संख्या रही वो 1956 के बाद इसे 10 कर दिया गया, ठीक, 1956 का इसको बढ़ा करके 10 कर दिया गया। तब से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के तहत ही निर्धारित की जाती है, और इसको निर्धारित करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। इस संख्या को सर्वोच्च न्यायालय और इसमें न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बढ़ा करके 13 कर दिया गया था, ठीक है, 1960 में 13 कर दिया गया, फिर 1977 में से एक अन्य संशोधन के द्वारा इस संख्या को 17 कर दी गई, और बाद में 1986 में से 25 कर दिया गया। अंत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से इस संख्या को बढ़ाकर 25 से 30 कर दिया गया, और इसे अब पुनः बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, दोबारा से बढ़ाया जा रहा है इसको। और देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2, ये आपको बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जज की संख्या बढ़ाने के बारे में, और जो भी इसमें लॉ होता है पार्लियामेंट का लॉ बनाता है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, और प्रेसिडेंट की भी भूमिका इसमें बताई जाती है। तो इन आर्टिकल को ध्यान से रखिएगा, आप खुद से भी इनको पढ़ सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, अब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि अब देखिए हाँ इस अभी हम पहले सर्वोच्च न्यायालय की बात करते करते अब हम पहले चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय की नई बिल्डिंग के ऊपर, हम नई बिल्डिंग भी दिखा दें आपको। आइए अब लेके चलते हैं हम आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नई इमारत में। ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, ये उसकी पुरानी इमारत है, और इसी के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा होने के बाद, तब आपको दिखाई देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नई इमारत। देखिए जैसे ये इमारत पहले वाली जो थी ये अपने आप में बहुत भव्य इमारत थी, लेकिन काफ़ी कुछ सुविधाएं इसमें नहीं थी, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र देखते हुए अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नई इमारत को डिजाइन किया गया है ये काफ़ी सुविधाओं से लैस की गई है, और इसमें जो सुविधाएं हैं वो अनेक प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। हालांकि उन सुविधाओं के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा, ना ही मैं उनको दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि वो टेक्निकल टर्म हो जाएंगे थोड़े से, और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इतना समझ लीजिए कि सुविधाओं में इसमें धूप जाने के धूप के लिए मतलब रोशनी के लिए पूरे शीशे वीशे लगाए गए हैं, खास तौर पर छत पूरी सौर पैनल से बनाई गई है, उसका भी इमेज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी इमारत देख लीजिए, ठीक है, ये इसका बिल्कुल फ्रंट है, जो आपको एकदम फ्रंट जो बिल्कुल सामने से आपको ये दिखेगा वो ऐसा दिखेगा वो सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखिए कितने ब्यूटीफुल तरह के फाउंटेन लगाए गए हैं, और देखिए ये आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं, इसमें आपको जो नीचे की तरफ दिख रहा है हिस्सा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पुरानी इमारत का है, और जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको वो है नई इमारत, और जो ऊपर इसमें ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है ना नई इमारत में, ये सारे सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि खास तौर पर देखा जाए कि सौर पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजली बनाई जाए। ये देखिए सौर पैनल आपको दिख रहे हैं, पूरी छत पर सौर पैनल लगा दिए गए हैं, और बिजली को जनरेट करने का धूप से जनरेट करने का तरीका यहाँ पे अपनाया गया, जो कि पुरानी वाली इमारत में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन नई वाली इमारत में सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, बड़ा ध्यान रखा गया है, हर चीज़ की जो कमी थी उसको पूरा किया, और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन नियर बाय है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर इसकी लोकेशन बताएगी, नहीं, लोकेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और नज़दीक लोकेशन होने की वजह जो पुरानी जो
सुप्रीम कोर्ट की इमारत थी, जस्ट उसी के बगल में आप कहेंगे अपोजिट साइड में ही इस इमारत का निर्माण किया गया है। और अभी कुछ समय से इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब इसका निर्माण पूरा हो चुका है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर है। इसके गठन, न्याय क्षेत्र, शक्तियों और स्वतंत्रता आदि का वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट अर्हताएं हैं वो क्या, वो उनको एक बार देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, तब वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य कहलाता है। तो ये था पूरी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आई होप आपको मजा आया होगा। इनके अंदर वीडियोज़ हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो इमेजेस हमने दिखाई हैं उनको देखने में भी आपको मजा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।